तो जैसा कि पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे हसीना मलिक की अम्मी जान अपने अनजान दामाद यानी डीएसपी सर को फोन करने के लिए आगे बढ़ती हैं। अपनी लगाई हुई इस उम्मीद के साथ कि शायद डीएसपी सर भी वहां उनके साथ मायावन में हो, पर उन्हें इस बात का पता नहीं रहता कि डीएसपी सर उनके साथ मायावन में नहीं बल्कि यहां लखनऊ में अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। अंत घबराई हुई हसीना मलिक की अम्मी जान अपना फोन उठाकर डीएसपी सर को कॉल करती हैं। और कहती हैं, दामाद बेटा, मैं कल रात से हसीना को फोन लगा रही हूँ, पर वो उठाते ही नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, फिर मुझे लगा कि चलो दामाद जी से ही पूछ लेती हूँ, आप तो उनके साथ वही होंगे। क्या हसीना ठीक है? जिसे सुनकर हमारे डीएसपी सर की टेंशन, या तो अगर उनकी भाषा में कहें तो चिंता, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और हसीना मलिक की अम्मी जान के मुंह से दामाद जैसा शब्द सुनने के बाद उनके चेहरे पर आई वो हंसी उसी पल खत्म हो जाती है। वो इस सोच में डूब जाते हैं कि हसीना मलिक आखिर अपना फोन उठा क्यों नहीं रही। कई बार प्रयास करने के बाद जब हसीना मलिक डीएसपी सर का भी फोन नहीं उठाती, तब डीएसपी सर महिला पुलिस थाना के अन्य व्यक्तिगणों को फोन करने का निर्णय लेते हैं। पर जैसा कि आपको पता ही है कि श्रापित जंगल में होने के कारण उनमें से कोई भी उनका फोन रिसीव नहीं कर पाता। ये बात हमारे डीएसपी सर को कुछ ठीक नहीं लगती और इसी कारणवश वो मायावन के वन अधिकारियों को फोन करने का निर्णय लेते हैं। जहां पर मायावन के अधिकारी उन्हें फोन पर बताते हैं कि महिला पुलिस थाना तो यहां पर पहुंचा ही नहीं है। उस वक्त हमारे डीएसपी सर की हालत ऐसी हो जाती है मानो जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। पर जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे डीएसपी सर कोई ऐसे वैसे डीएसपी नहीं है। गिद्ध जैसी नजर और लोमड़ जैसी अकल किसकी तेज होती है, खैर तेज अकल के साथ वो इस बात पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद वो अपनी टेबल से उठते हैं और पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि वो इस अनसुलझी पहेली को, जिसने अब उनका दिमाग का दही कर दिया है, इसे सुलझा सके। तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हमारे डीएसपी सर कुछ ही मिनटों में पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो सबसे पहले उन सभी लोगों का फोन ट्रेस कराते हैं और उनके फोन की लास्ट लोकेशन देखते हैं, ताकि उन्हें इस बात का पता चल सके कि आखिर वो लोग हैं कहां। वो
वहीं हमारी कहानी के दूसरी तरफ अंधकार की सिलवटों के बीच खामोशी के उस रास्तों पर जहां केवल धुंध ही धुंध छाई हुई थी, हमारे महिला पुलिस थाने के लोग अपने धीमे व डरे हुए कदमों से इधर उधर मदद की, जैसे तलाश कर रहे हो। अपनी ठुकी हुई जीप से कुछ सौ कदम आगे चलने के बाद उन सभी को उन धुंध के बीच कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। धुंध और खामोशी से भरे उस रास्ते पर उन्हें कुछ अजीब से काले व घने पेड़ दिखाई देते हैं, जिनके तनों पर उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उनके कान खड़े हो जाते हैं। असल में उस पेड़ के तनों पर कुछ मासूम और बेहद प्यारे दिखने वाले बच्चों की तस्वीरें टंगी रहती हैं और उसके नीचे लिखा रहता है मिसिंग। अगर एक या दो या तीन पैम्पलेट इस पेड़ पे लगे होते तो ये बात एक आम बात होती, मगर यहाँ तो सारे पेड़ पर ही सैकड़ों की मात्रा में ये पैम्पलेट छपे रहते हैं। इस चीज को देखकर महिला पुलिस थाने वाले घबरा से जाते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि आखिर इतने सारे लोग गए तो गए कहां। काली धुंध के इस साय में ऐसी चीज देखने के बाद हमारी मैडम सर के मुंह से एक ही बात निकलती है, वो कहती हैं कि ये मायावन हो ही नहीं सकता। वो संतोष शर्मा की तरफ एक नजर देखती हैं, जहां संतोष शर्मा अपनी नजर उनसे चुराती हुई नजर आती हैं। फिर वो ऐसी ही नजर से चीता चतुर्वेदी की ओर भी देखती हैं, जहां चीता चतुर्वेदी घबराकर उनके सामने सारी सच्चाई उगल देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बीती रात उनके साथ क्या क्या घटना हुई और वो यहां तक कैसे पहुंच गए। मायावन का वो रास्ता भटक जाने के बावजूद भी हसीना मलिक इस बात का फैसला कर लेती हैं कि अब वो यहीं रहेंगे और इस केस को सॉल्व करके ही जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो यहां कोई खतरनाक किडनैपिंग रैकेट चल रहा हो और वो लोगों को, खास तौर से बच्चों को, अपना शिकार बना रहे हैं और इनकी स्मगलिंग कर रहे हैं। इस बात से पूरी तरह अनजान होकर कि ये सारे पैम्पलेट करीब 10 साल पहले यहां लगाए गए थे। खैर, उन्हें लगता है कि यहाँ आसपास इंसानों के कुछ घर देखने को मिल जाएंगे, जहां जाकर वो इस बात की तहकीकात करेंगे और वो उनकी मदद करेंगे इस केस को सॉल्व करने में। अपना फैसला कर चुकी हसीना मलिक अपने थाने वालों को लेकर कुछ 100 कदम और आगे जाती हैं, जहां उन्हें एक ऐसी चीज सामने नजर आती है जो सचमुच दिल को कपकपा देने वाली हो। धुंध और खामोशी से भरे इस रास्ते पर कुछ 100 कदम और चलने के बाद उन्हें एक खाई नजर आती है। ये खाई मानो जैसे कोई कब्रिस्तान जैसी लगती है, क्योंकि इसके ऊपर कई 100 कंकाल ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। इनमें से कई तो जानवरों के रहते हैं, मगर कुछ खैर, इस नजारे को देखने के बाद उनकी आत्मा उनके शरीर से जैसे बाहर जा रही हो अंदर आ रही हो, बाहर जा रही हो अंदर आ रही हो, उनका कलेजा उनके मुंह तक आ जाता है।
वो इस खाई में पड़े हुए कंकालों को देखकर ये अंदाजा लगा पा रहे रहते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। पहले कि उनमें से कोई कुछ बोले, उन्हें पीछे जंगलों में से अपनी ओर किसी चीज के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, कोई ऐसी चीज जो कि उनके तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हो। खैर, आगे भी सुनने के लिए चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे कर लो प्रेस, ताकि आप भी ना मिस कर पाओ एक कहानी अनसुनी से। तो मिलता हूं कल इस कहानी का पार्ट 10 लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मास्क सैनिटाइजर यूज करते रहो। जय हिंद।